रामपुर में आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बाबर खान ने कहा कि मुस्लिम फेडरेशन मुसलमान के हुकूक के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ाई लड़ती रहेंगी। देश में मुस्लिम सुरक्षित दिखाई नहीं देता है। मॉब लिंचिंग के नाम पर किस तरह के सूरत हाल है वह किसी से नहीं छिपे हैं। मुस्लिम फेडरेशन आरक्षण के मामले में पहले भी लड़ाई लड़ रहा था और आज भी स्वामी रंगनाथ की रिपोर्ट पर मोदी सरकार मौनव्रत है। आज देश जिस डर से गुजर रहा है वह किसी से छिपा ढका नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है खुलेआम हो रहा है। मुस्लिम को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, यही सोचकर अक्सर मैं भी परेशान रहने लगा हूँ कि देश किस ओर जा रहा है। हम अपने आप को गलतफहमी में रखे हैं। मुस्लिम समाज में सुधार की ज़रूरत है। पेशा असीम अजीत की खास रिपोर्ट। जी, मुझे बाबर खान कहते हैं और मैं कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। मैं ईद और रक्षाबंधन और 15 अगस्त की सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और ख़ासकर रामपुर वासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ। और इसके अलावा इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर मसले चल रहे हैं उसमें ख़ासकर मुसलमानों का जो मसला है उसको लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। मुस्लिम फेडरेशन के लोग चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को भी इसी तरह से देखें जिस तरह से दूसरे कौमों पर मोहब्बत से वो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की रिज़र्वेशन का मसला है, मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि मुसलमान तरक्की में बहुत पीछे पिछड़ गए हैं। उनके पास ना सरकारी नौकरियां हैं, ना अच्छे रोज़गार हैं, इसी वजह से उनकी अच्छी सेहत नहीं है और उनके तहफ़ का मसला है। इस मुल्क में अभी कई बार मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को घेर घेर कर भिड़ने कत्ल कर दिया। इस तरह के मसलों को लेकर चाहे भारत सरकार कानून बनाए या स्टेट वाइज कानून बने, मैं चाहता हूँ कि सब तरफ इस तरह का कानून बने जिससे कि मुसलमानों का तहफ़ हो सके। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की ये मांग है कि मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, उनकी गरीबी के हिसाब से। मजहबी आधार पर हमें रिज़र्वेशन नहीं मांगा है हमने, हम जो है आर्थिक और पिछड़ेपन पर रिज़र्वेशन की मांग करते हैं। इसलिए मुसलमानों का रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, मुसलमानों को तहफ़ मिलना चाहिए और मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर भी हमारी सरकार गौर करे।